उमरिया जिले के पाली जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मलियागुड़ा में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ जिला कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के द्वारा किया गया। इस दौरान जिले के सभी अधिकारियों, पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों सहित समाज सेवियों ने अपनी सहभागिता दिखाई। ग्राम पंचायत मलियागुड़ा के प्राचीन शिव मंदिर तालाब में सभी ने श्रमदान करते हुए जल संरक्षण, जल संवर्धन और पर्यावरण को सुरक्षित करने का संदेश दिया। इस दौरान तालाब के सुरक्षित स्थान में फलदार सहित अन्य वृक्षों का रोपण कर अधिकाधिक वृक्षारोपण करने और उनकी सुरक्षा करने की बात कही। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन, सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया, अभियान के दौरान जिले के समस्त नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों में जल स्रोत, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी सहित अन्य के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु 5 जून से 16 जून तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने बताया कि पाली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मलियागुड़ा एवं करकेली जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत घुलघुली से अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी का सहयोग सादर अपेक्षित है। बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के मुख्य अभियंता शशिकांत मालवीय ने इस अभियान को सार्थक पहल बताते हुए कहा कि इससे जल संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। वन विभाग के डीएफओ विवेक सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान वन विभाग भी सार्थक अभियान चलाकर सकारात्मक कार्य करेगा। ग्राम पंचायत मलियागुड़ा के पूर्व सरपंच लोकनाथ मरावी ने कहा कि इस अभियान से सभी ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा, साथ ही जन जागरूकता के माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षित करने की पहल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उक्त अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे, जिला कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन, सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, डीएफओ विवेक सिंह, मुख्य अभियंता शशिकांत मालवी, एसडीएम टीआर नाग, एसडीओ वन विभाग दिगेंद्र पटेल, रेंजर सचिन कांत, सीईओ पाली जनपद कुंवर कन्हाई, सरपंच लक्ष्मी मरावी, पूर्व सरपंच लोकनाथ सिंह, बहादुर सिंह प्रमुख रूप से शामिल रहे। और उनका सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा, वृक्षारोपण भी किया जाएगा, पार्क के का भी विकास किया जाएगा। आज इसका शुभारंभ मलियागुड़ा तालाब से किया गया है, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक संस्थाएं, सभी यहाँ पर SECL के भी अधिकारीगण सभी उपस्थित हैं, पत्रकार साथीगण भी उपस्थित हैं। तो इसको एक जनअभियान बनाने के उद्देश्य से आज यहाँ चालू किया जा रहा है और यह 17-16 तारीख तक पूरे जिले में चलता रहेगा। नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में इसको चालू किया जाएगा। हमें ये संदेश दे रहा है कि इसमें हमको अपना पानी बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना आगामी भविष्य हमारा संभव नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय तापमान इतना बढ़ रहा है, तो वृक्ष का लगाना भी एक हम लोगों के बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी आगामी पीढ़ी को एक अच्छी धरोहर दे सकें और उनके अच्छे भविष्य के लिए कल्पना कर सकें। आज से जो नमामि गंगे अभियान प्रारंभ किया है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, आज से प्रारंभ होके ये पूरा अभियान है वो 16 जून तक चलेगा, और उसमें जिले के सभी जल स्रोत, चाहे वो कुएं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, और किसी नदी और नाले हो, ये सभी हम लोगों ने चिन्हांकित किया है और उसमें संरक्षण करने का काम करेंगे। तो जैसी जैसी जिस स्ट्रक्चर की जो जो आवश्यकता है उसको हम लोग करेंगे, चाहे वो सफाई की दिशा में हो, चाहे गहराई करने की, गाद निकालने की दिशा में हो, चाहे कुएं बावड़ी में से गाद निकालना और उसकी टूट फूट हुई है जगत बनाना हो, उस दिशा में हम लोग पूरे 16 तारीख तक काम करेंगे और पूरे जिले में जल संरक्षण का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। जल संरक्षण की एक बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। निश्चित ही इस पहल से भविष्य में जल का संवर्धन होगा और जो छोटे मोटे तालाब हैं, जल संचय के स्रोत हैं, उनको विकसित किया जाएगा, उनके आसपास पौधरोपण किया जाएगा और भविष्य में जल की समस्या ना हो और जल का निदान हो सके, जल का संरक्षण संवर्धन हो सके, जिसको निमित्त यह कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ये जो जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत मलियागुड़ा और संजय गांधी तरण पावर स्टेशन, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में ये मलियागुड़ा में जो स्थित तालाब है, इसकी साफ सफाई का अभियान छेड़ा गया है और इससे निश्चित ही जल संवर्धन की ओर एक कदम उठेगा। गर्मी काफी है और पानी की कमी हो रही है, इस कारण कई बार ऐसा देखा जाता है कि वन्य प्राणी बाहर आ जाते हैं, तो उसके लिए अभी हमारी कोशिश है कि हम जंगल में इस साल कम से कम 10 से 12 हर रेंज में कोशिश करें कि नए पॉन्ड या किसी तरह का प्रोजेक्ट आ जाए तो हम बना पाए, क्योंकि पानी की कमी और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो हर जगह ही देख रहे हैं कि प्रकोप आदमी के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ विस्तार वानिकी में हमारा प्रपोजल गया है
और उसमें हम लोग इस साल लगभग 10,000 पौधे लगाएंगे। कलेक्टर महोदय जी के निर्देश मुताबिक कि जो पानी भराव है जहां कम है वहां गहरीकरण करा दिया जाए और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए ताकि जल रहेगा, पर्यावरण रहेगी तो हमको सब सब हवा पानी शुद्ध मिलेगा, ऐसा उनका प्रयास है। उनकी प्रयास के निर्देश मुताबिक हम लोग सब मिलकर उनकी प्रयास में हम लोग अमल करेंगे, ऐसी मेरी किए जा रहे हैं। तो हम सभी पत्रकारों ने इसका बीड़ा उठाया है जल संरक्षण संवर्धन सहित हरियाली महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए। हम लोग सभी पत्रकार एकत्रित होकर के इसमें सहभागिता निभा रहे हैं, क्योंकि जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जो जल भराव की स्थिति है उसको भी देखा जाएगा। क्षेत्र में जिला प्रशासन की तरफ से इसमें अनूठी पहल की गई है जिसमें पूरे हमारे क्षेत्र को जिला के जो सभी पत्रकार साथी हैं वो सहभागिता निभा रहे हैं और जल संरक्षण और संवर्धन के लिए तमाम जितने भी प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। इसके साथ ही जो वृक्षारोपण का बृहद वृक्षारोपण को अधिक गति मिले, समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी ये समस्त पत्रकारगण करेंगे, जिससे आगामी भविष्य में जो ये जल की जो कमी है और हरियाली की जो कमी है वो पूरी किया जा सके, उसका सार्थक प्रयास किया जाए। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।